सो है वॉट्सअप गाइज बैक टू अन वीडियो तो भाई लोग यार गेम प्ले शुरू करने से पहले आपको एक रास की बात बताना चाहता हूँ देखो यार आज है ना मतलब ये वाला जो गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किलें से हो है। क्योंकि यार देखो मैं सुबह दस बजे उठ के एंड मैं मतलब पूरा दिन आज भाई रिकॉर्डिंग किया बट एक गेम प्ले निकल के नहीं दिया एंड यार मैं सोलो स्कॉट खेल रहा था अगर ये चीज मैं जोर से बोलूंगा ना भाई रात के टाइम पे मेरा घर निकाला हो जाएगा है ना तो यार अब बात कर लेते लाइक गेम प्ले बनाने में प्रॉब्लम क्या आ रही है देखो यार फर्स्ट चीज़ आज के दिन में लाइक मेरा कोई टीममेट था ही नहीं मेरे साथ इसका मतलब मैंने पूरा का पूरा मैं सोलो विस्वाड खेला एंड एड सोलो विस्वाड में क्या होता है भाई अगर मैं मतलब हॉट ड्रॉप सर्वाइव करना एक तो टास्क होता है ठीक है अगर मैं हॉट ड्रॉप सर्वाइव कर लेता हूँ तो यार जाते जाते कैंपर मार चला जाएगा भाई कैंपर मारेगा वो गेम प्ले बर्बाद या फिर कोई हैकर आकर स्टार्टिंग में मार के चला जाएगा वो बर्बाद और अगर ठीक है चलो इन सब में से कुछ नहीं होता मैं भाई अच्छे से खासे से लाइक अगर एक हॉट ड्रॉप क्लियर कर देता हूँ एंड हॉट ड्रॉप क्लियर करने के बाद जैसे ही मैं भाई उस जगह से निकलता हूँ ना वैसे भाई लॉबी में बंदे बचते ही नहीं है भाई सेकेंड जोन में लाइक दस बारह बंदे भाई कहाँ से निकले गेम प्ले एंड यार क्वालिटी गेम प्ले नहीं बन पा रहा उसकी वजह से तो यार आप इसी वाले गेम प्ले की चीज़ें देख लो है ना मैं यहाँ पर उतरा जस्ट अपार्टमेंट में बिकॉज मेरे को बंदे चाहिए थे बट यार इस बार जबकि प्लेन पाथ अपार्टमेंट के जस्ट बगल में था भाई अपार्टमेंट कोई नहीं आया मतलब कसम से कोई नहीं आया बॉटो के अलावा तो यार पर सब अपार्टमेंट में बॉटो ऑटो को मार के क्लियर करके हम निकल लेते रोजॉक की तरफ मुझे होप थी लाइक कोई कोई ना कोई रोजॉक मिल जाएगा बट यार रोजॉक जाने से पहले यहाँ पर स्कूल की तरफ से फायरिंग वायरिंग आने लग जाती तो मैं यहाँ पर थोड़ा होल्ड करके देखता हूँ एंड एंड के ऊपर फटाफट से पुश करते बिकॉज यार सिर्फ दो मिनट में सिक्सटी अलाइव है आ जाओ तो यार हमें कोई होप नहीं थी लाइक रोजॉक में बंदे होंगे बट यार ये फायरिंग सुनने के बाद हम लोग फटाफट से पुश करने की सोचते हैं बिकॉज यार अभी नहीं तो कभी नहीं बिकॉज आकी दो टीम है जिनकी आपस में फाइट चल रही है अगर हम लोग थोड़ा सा भी लेट करते भाई हमारे किल कम होने वाले तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी जो सस्ती लूट उठा कर पहुँच जाता हूँ इनकी तरफ था था। वो ही तो तो यहां पर एक बंदे को नॉक करती फटाफट से जिनपे पुश डालने का प्लान था बट यार जाते जाते मुझे ये वाला बंदा भी स्पॉट हो जाता है तो यार इस वाले बंदे को यहां पर वन एच कर देता हूँ बट यार ये भक्के कवर में चला जाता है एंड यार ये वाला ग्रेनेड देखो आप तो यार इस वाले बंदे को फिनिश करती ऑल डेड हो जाता मुझे लगा सब क्लियर हो गया एंड मैं लूटने It's आता हूँ भाई ये तो अच्छा हो गया लाइक ये बंदा मुझे टाइम पे दिख गया नहीं तो भाई मतलब क्रेट लूटते लूटते भाई मेरी पेटी चमका देता खैर छोड़ा यार यहाँ पर मैं वापस आता हूँ थो थोड़ा लूट करने बिकॉज आकाल पड़ा है भाई एसएमजी चला रहा हूँ एंड यार इसका एक और बंदा दिखता है मुझे और यार मैं कसम से बता रहा हूँ ये वाले बंदे ने काफी ज्यादा गाली खाई होगी ऊपर वाले बंदे से बिकॉज इस बंदे ने रिवाइव नहीं किया है ना भाई ये बंदा नीचे खिड़की से रहा है लाइक अभी हम हम सबकी पेटी चमका देगा एंड यार अब इन दोनों के टीममेट कहाँ है भाई किसी को नहीं पता खैर चल यहाँ पर पूरा रोजा क्लियर हो जाता है एंड हम जैसे जा रहे होते हैं गाड़ी और भाई यहाँ पर हमारी क्रेट चमक जाती है बिकॉज यार यहाँ पर बहुत बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी पहली चीज हम लोग जब जा रहे थे तो यार गाड़ी आती दूर से मैं देखता हूं मैं ये ध्यान नहीं देता कितने बंदे गाड़ी में मेरा बोलता है फुल भाई फुल चार के चार बंदे आ रहे हैं एंड उसकी वजह से भाई मतलब पैनिक होकर मैं थोड़ा सा सोचता हूँ पहले होल्ड करते फिर फाइट करेंगे एंड यार कवर में जाने बता चलता है वो दो बंदे थे बस और एक ड्राइवर था एक फायर कर रहा था एंड यार जो फायर कर रहा था उस बंदे ने जरा सा भी कष्ट नहीं किया कि गाड़ी से उतर के मार दे खैर छोड़ो यार यहाँ पर आए होते हम गोरे गोपाल एंड तो कोई वेपन नहीं दिख रहा था इसलिए मैं नीचे चला जाता हूँ एंड यार यहाँ पर लूट करते करते मैं जैसे इस वाले टावर पे जाता हूँ छोटा टावर भाई इसके नीचे मुझे स्कारल और कार्सटीन मिल जाती है तो भाई इसके साथ एक और बंदा मिलता है तो यार पकड़ते हैं इसे अरे। तो यार यहाँ पर दो स्कॉट लड़ रही होती है एंड यार उस बंदे को नॉक एंड फिनिश करने के बाद मैं तुरंत यहाँ पर आता तो हूँ यहाँ पर एक बंदे को थोड़ा सा डैमेज दिया बंदा था बॉड था पता नहीं बट यार सामने काफी भसड़ मची पड़ी एंड हम लोग भी उसमें शामिल होने वाले हैं। आ गया उसका बंदा मार्क द लोकेशन और यार इसी के साथ दोनों की दोनों स्कॉट का सफाया हो जाता है एंड हम आ जाते हैं इस वाली जगह पे सामने पहाड़ की तरफ कोई बंदा होता है बट वो स्पॉट नहीं हो रहा तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बिकॉज आगे और बंदे होते हैं तो यहाँ पर इसे नॉक एंड फिनिश करने के बाद हम तीनों की तीनों वेराज ढूंढते बट हमें कोई नहीं मिलता बट तभी पीछे से फायर आता है अरे इसकी बात कर रहा था एंड यार अभी ये पहाड़ वाला बंदा भाई टावर पे चढ़ चुका है तो यार हम इसे फाइट नहीं लेना चाहते बिकॉज हमारे पास कोई स्कोप भी नहीं होता ढंग से लाइक जिससे इनको मार पाए तो यार हम लोग एक प्लान बनाते हैं हम लोग सोचते हैं कि राइट साइड से पूरा फ्लैंग मारते कंटेनर्स एंड यार हम जैसे फ्लैंग रहे होते भाई सामने हमें और बंदे स्पॉट होते हैं एंड यार मैं भग भग के यहाँ पर पहुंच जाता हूँ वो वाला बंदा सामने की तरफ बैठे तो यहाँ पर एक मॉली ट्राई करता हूँ मैं और आया। तो यार इस वाले बंदे का भी कोई टीममेट नहीं होता तो हम आ जाते हैं टावर पे बिकॉज टावर वाला बंदे को ढूंढने के लिए टावर पे चढ़ना पड़ेगा। स्टिल हमारे पास कोई स्कोप नहीं है एंड यार तभी मुझे कंटेनर पे एक बंदा कूदते तो हुए दिखाई देता है और भाई यहाँ पर ये यह वाला बंदा भाई बस होता है वन भाई एक एमो लगी होती कसम से अब भाई कैंपर, कैंपिंग ही करेगा। भाई यहाँ पर आने के बाद हमें कोई नहीं दिखता तो यार अब क्या अभी उसको ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था मैं सोचता हूँ ये वापस टावर पर चढ़ गया होगा बट तभी पीछे से बगी की साउंड आती है भाई। और भाई ये वाला बंदा के अपने घर पे चला जाता है मतलब कोई सोच भी नहीं सकता भाई भाई मेरा गेम प्ले बर्बाद आज की वीडियो में बस इतना ही आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड सी एंड चैनल पर सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना बाय बाय